दोस्तों आज मैं फ्रंटियर्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत पेरिस से होती है, जहां पर कई लोग राइड्स कर रहे होते हैं, क्योंकि एक फार नाइट कैंडिडेट फ्रांस के प्रेसिडेंट सीट के लिए खड़ा था। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए एक गैंग यहाँ पर रॉबरी करती है और पुलिस वाले उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस गैंग में 5 लोग होते हैं, यैस्मीन, उसका भाई सैमी और यैस्मीन का बॉयफ्रेंड एलेक्स और एलेक्स के 2 दोस्त टॉम और फरीद थे। पर अब एलेक्स और यैस्मीन का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए यैस्मीन अपना एबॉर्शन करवाना चाहती थी। इधर सैमी को पुलिस ने गोली मार दी थी जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। अब इस वजह से ये 5 अलग अलग होने का डिसाइड करते हैं। फिर एलेक्स और यैस्मीन सैमी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और टॉम और फरीद चोरी के पैसे को लेकर एक होटल की तलाश में जाते हैं। इधर यैस्मीन और एलेक्स जब सैमी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स पहले पुलिस को कॉल करते हैं। ये देख कर सैमी अपनी बहन से कहता है कि तुम एबॉर्शन मत करवाना और यहाँ से जल्द भाग जाओ। ये कहकर सैमी वही दम तोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। ये देखकर यैस्मीन और एलेक्स अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती हैं। यैस्मीन अपने भाई को खोकर बहुत रोती है। इस पर एलेक्स उसे संभालता है। इधर फरीद और टॉम एक गेस्ट हाउस में पहुँचते हैं जो कि बॉर्डर के करीब था। इस गेस्ट हाउस में 2 लड़कियाँ होती हैं जिनका नाम गिलबर्ट और क्लाउडिया होता है, जो कि यहाँ की ऑनर्स थी। फिर टॉम और फरीद उनके पास जाकर उनसे खाली कमरा मांगते हैं। इस पर गिलबर्ट उससे कहती है कि हमारे पास एक कमरा खाली है। फिर गिलबर्ट अपने भाई गॉट्स को बुलाती है जो कि अंदर किसी इंसान का मांस काट रहा था। फिर जब गॉट्स बाहर आता है तो गिलबर्ट उससे पूछती है कि क्या हम इन दोनों को कमरा दे सकते हैं। इस पर वो परमिशन दे देता है। थोड़ी देर बाद गिलबर्ट और क्लाउडिया टॉम और फरीद को सिड्यूस करने लगती हैं और फिर उनके रूम में जाकर उनके साथ इंटीमेट भी होती हैं। और गॉट्स ये सब सुन रहा था। इसके बाद ये दोनों उन दोनों को खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। यहाँ गॉट्स ने इंसान का मांस पका कर रखा था, पर टॉम और फरीद को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर जब वो दोनों उस मांस को खाते हैं तो उन्हें काफी अजीब स्वाद आता है और वो उनसे पूछते हैं कि ये किसका मांस है। तब गॉट्स उनसे झूठ बोलता है कि ये लैम्ब रोस्ट का मांस है। ये सुनकर वो दोनों खाना नहीं खाते और उनका मूड खराब हो जाता है। तभी गॉट्स गिलबर्ट और क्लाउडी अपनी मॉम को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं जिससे उसे वॉमिट होने लगता है। ये देखकर टॉम को काफी अजीब लगता है और वो कहता है कि तुम सब पागल हो और ये दोनों लड़कियां वैश्या हैं। गॉट्स को अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद टॉम और फरीद गुस्सा होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी टॉम के पास यैस्मीन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि सैमी अब मर चुका है और ये बात तुम फरीद को मत बताना क्योंकि वो अभी इस गम को नहीं झेल पाएगा। साथ ही वो कहती है कि मैं और एलेक्स तुम्हारे गेस्ट हाउस में आने के लिए निकल गए हैं। तभी उनके कमरे के बाहर कोई आ जाता है। ये देखकर टॉम दरवाजा खोलने जाता है जहाँ पर वो गिलबर्ट को देखता है जो अपने दूसरे भाई के साथ आई होती है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी वो आदमी उन्हें बताता है कि वो गिलबर्ट का भाई कार्ल है और उन्होंने उसकी बहन को वेश्या बुलाया था, इसलिए वो उन्हें सबक सिखाने आया है। टॉम कहता है कि मैं तो उससे बस मजाक कर रहा था, पर कार्ल अब गुस्सा हो जाता है। कार्ल कहता है कि मेरी बहन ने तुम्हें कुछ पैसों के बारे में बातें करते हुए सुना था, तो वो पैसे कहाँ हैं? ये सुनकर टॉम डर जाता है और कार्ल को धक्का देकर फरीद के साथ वहाँ से भागने लगता है। तभी कार्ल फरीद को पकड़ लेता है। ये देखकर टॉम उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कार्ल टॉम को शूट कर देता है जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। तभी फरीद एक चाकू से कार्ल पर अटैक कर देता है और टॉम को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और गॉट्स भी अपनी कार से उनका पीछा कर रहा होता है। तभी गॉट्स उन्हें अपनी कार से ठोकर मार देता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक गुफा दिखाई देता है। फिर वो उसके अंदर जाते हैं। इधर यैस्मीन और एलेक्स भी अब इस गेस्ट हाउस में पहुँच जाते हैं और उनसे अपने साथियों के बारे में पूछते हैं। इस पर गिलबर्ट उन्हें बताती है कि उनके साथी यहाँ से निकलकर दूसरे गेस्ट हाउस में गए हैं। फिर जब एलेक्स उससे वहाँ का एड्रेस पूछता है तो वो खुद उन्हें लेकर जाने लगती है। यहाँ एलेक्स और यैस्मीन को कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए वो उसके साथ जाने लगते हैं। इधर गुफा में टॉम और फरीद को वहाँ पर एक सुरंग मिलता है जिससे वो बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। फिर टॉम पहले उसके अंदर जाता है और फरीद उसके पीछे जाता है।
टॉम काफी इंजर्ड हो चुका था और ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। वो जोर से अपनी मॉम को पुकारता है और कहता है कि मॉम मुझे माफ कर देना, मैं शायद तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर फरीद उसे ऊपर चढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन टॉम रोने लगता है। तभी फरीद को सुरंग में किसी के होने का एहसास होता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाकर टॉम को बताता है। इस पर टॉम तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद टॉम एक घर में पहुंच जाता है, जहां पर एक आदमी उसके सर पर अटैक करके उसे ले जाता है। फिर वो फरीद को भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फरीद किसी तरह खुद को बचा लेता है और वापस नीचे चला जाता है। इधर क्लाउडिया और गिलबर्ट यस्मिन और एलेक्स को अपने घर पर ले आती हैं, जहां पर उनके बाकी फैमिली मेंबर्स रहते थे। फिर गिलबर्ट उन्हें अपनी बहन ईवा से मिलवाती है, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होती है। फिर यस्मिन उनसे अपने साथी के बारे में पूछती है, तो इस पर वो कहती है कि वो लोग अपने कमरे में होंगे, तो तुम उनसे बाद में जाकर मिल सकते हो। तभी एलेक्स गिलबर्ट से वॉशरूम का पता पूछता है, जिस पर गिलबर्ट उसे वहाँ पर ले जाती है। यहाँ यस्मिन को उस घर में स्केलेटन और कई किताबें दिखती हैं, और ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक नाजी की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी ईवा यस्मिन से कहती है कि मेरे पिता यहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम उनसे ढंग से पेश आना। फिर जब उसका पिता यहाँ पर आता है, तो वो यस्मिन का हाथ देखता है और कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। इधर एलेक्स जब वॉशरूम से बाहर आता है, तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी वो एक बड़े से आदमी को देखता है, जो तबेले में अपने सुअरों को खाना खिला रहा था। फिर जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है, तब एलेक्स वहाँ पर जाता है, जहाँ पर उसे टॉम उल्टा लटका हुआ मिलता है। ये देखकर वो रोने लगता है। तभी टॉम अधमरी हालत में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। एलेक्स उसके पैर को हुक से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलता। तभी टॉम उससे कहता है कि वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे, इसलिए जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर एलेक्स यस्मिन के पास जाकर उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। फिर जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, तो कार्ल वहाँ आकर एलेक्स को शूट कर देता है। इसके बाद वो यस्मिन को पीटने लगता है, जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। फिर उसका पिता अपने बेटे कार्ल से कहता है कि अब वक्त आ गया है, अब तुम इस फैमिली को संभालोगे। साथ ही वो कहता है कि उसने यस्मिन का हाथ देखा है और वो बहुत अच्छी है, इसलिए तुम उसे अपनी वाइफ बनाओ, ताकि वो इस फैमिली को आगे बढ़ा सके। इसके बाद फादर अपने दूसरे बेटे हांस को बुलाता है, जो यस्मिन और एलेक्स को चेन से बांध कर ले जाता है। वो उन्हें अपने सुअरों के साथ बांध देता है और टॉम को जान से मारकर बुचरिंग के लिए ले जाता है। इधर फरीद को नीचे अजीब से बच्चे दिखते हैं और वो उनसे डर कर एक कमरे में चला जाता है, जहां वो देखता है कि उस फैमिली ने इस कमरे में कई सारे लोगों की लाश को प्रिजर्व करके रखा था। तभी वहां वो एक औरत को देखता है, जो कि अभी भी जिंदा होती है, जिससे डर कर वो वहां से भागता है। फिर जब वो वहां की लाइट को ऑफ करता है, तो घर की लाइट भी ऑन ऑफ होती है, जिससे उन सभी को पता चलता है कि जरूर मॉर्ग रूम में कोई है। इसलिए वो गन्स लेकर नीचे जाने लगते हैं। वो फरीद को देखकर उसे शूट कर देते हैं, लेकिन फरीद को गोली नहीं लगती। तभी फरीद एक हथौड़ा उठाकर कार्ल को मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर तभी हांस उसे पकड़ लेता है और उसकी नाक तोड़ देता है। ये देखकर फरीद वहां से भागने लगता है। भागते हुए फरीद एक चैम्बर में पहुंच जाता है और वहीं पर छुप जाता है। फिर जब हांस यहाँ पर आता है, तो वो उस चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ाकर उसे लॉक कर देता है, जिससे फरीद का शरीर बुरी तरह से जलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर एलेक्स जोर लगाकर यस्मिन की चेन तोड़ देता है, पर वो अपनी चेन नहीं तोड़ पाता। वो यस्मिन को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, पर यस्मिन उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर एलेक्स उससे कहता है कि तुम बाहर जाकर मदद लेकर आओ, तभी हम सब जिंदा बच सकते हैं। ये सुनकर यस्मिन बाहर निकलकर भागने लगती है। अब कुछ देर बाद फादर और उसकी बेटियां वहां आकर देखती हैं कि यस्मिन वहां से गायब है। फादर एलेक्स से पूछता है कि वो कहां गई है। इस पर एलेक्स उसे गालियां देने लगता है। ये सुनकर फादर ईवा से एक औजार मंगवाता है और एलेक्स की हील की हड्डियां तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इधर यस्मिन को भागते हुए रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है। फिर वो उसे रोककर उससे मदद मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी में गोट्स है, जो अपने घर जा रहा था। यस्मिन को लगता है कि वो उसकी मदद करेगा, इसलिए वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी गोट्स यस्मिन से कहता है कि मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाऊंगा। ये सुनकर यस्मिन उससे लड़ने लगती है, पर वो उसे बुरी तरह पीटता है और वापस ले जाने लगता है। घर आने पर फादर गोट्स के इस काम से बहुत खुश होता है। फिर वो हांस को कहता है कि एलेक्स को मारकर प्रिजर्व कर दो, ताकि मैं उसे बाद में खा सकूं।
इसके बाद सभी लड़कियां यास्मीन को अपने साथ ले जाकर नहलाने लगती हैं। फिर जब ईवा यास्मीन का पेट छूती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अगली सुबह वो सभी यास्मीन को बेडरूम में बांधकर रखते हैं क्योंकि अब वो उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाली थी। यास्मीन अपनी इस सिचुएशन पर रोने लगती है। तभी वहाँ पर ईवा आती है जो उसे बताती है कि फादर इस बात से खुश हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर ईवा उसे वाइन पिलाकर कहती है कि फादर को ये काले बाल पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारे ये बाल काटने पड़ेंगे। फिर वो उसके बाल काटते हुए उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि फादर ने उसे वर्ल्ड वॉर के समय किडनैप करके लाया था। वो कई दिनों तक अपने पेरेंट्स के लिए रोई पर उसके पेरेंट्स नहीं आए। फादर इस घर में लड़कियां इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो बच्चे पैदा करके उसकी फैमिली को बढ़ा सके। आज तक उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है जो कि डिफॉर्म्ड थे और फादर को वो पसंद नहीं आए तो उसने उन्हें बेसमेंट में छोड़ दिया। दरअसल फरीद और टॉम को उस सुरंग में जिस बच्चे का एहसास हुआ था वो वही बच्चे थे। ईवा कहती है कि मुझे अब भी विश्वास है कि मेरे पेरेंट्स मुझे लेने यहाँ जरूर आएंगे। ये सब सुनकर यास्मीन को उन पर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इसके बाद यास्मीन को खाने के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स होते हैं। फिर फादर सबको बताता है कि अब इस परिवार में एक नया हिस्सा जुड़ने जा रहा है जिससे हमारी फैमिली में बहुत खुशियाँ आएंगी। अगर यास्मीन को लड़का हुआ तो वो उसका नाम कार्ल रखेंगे जो कि उसके पिता का नाम होगा, और अगर उससे लड़की हुई तो वो उसका नाम लिलिथ रखेंगे। फादर अपने बेटे कार्ल और बेटी गिलबर्ट को ये जिम्मेदारी देता है और इसके बाद ये सभी टॉम का मीट खाने लगते हैं। फादर यास्मीन से कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आई, पर यास्मीन उसे गाली देने लगती है। ये सुनकर फादर कार्ल से अपनी वाइफ यानी कि उसे किस करने के लिए बोलता है ताकि वो सबक सीख सके। फिर कार्ल यास्मीन को जबरदस्ती किस करता है। तभी यास्मीन को गुस्सा आ जाता है और वो एक चाकू उठाकर फादर के गले पर रख देती है और उसके बच्चों को दरवाजा खोलने के लिए कहती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। तभी कार्ल और हांस गन उठाकर यास्मीन पर तान देते हैं। इस पर वो उन्हें बंदूक फेंकने के लिए कहती है। तभी हांस उस पर गोली चला देता है पर गोली फादर को लग जाती है। ये देखकर कार्ल हांस को भी शूट कर देता है जिससे कार्ल और उसका फादर दोनों ही मारे जाते हैं। ये देखकर यास्मीन भागकर नीचे चली जाती है और वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं। यास्मीन मॉर्ग रूम में जाकर छिप जाती है। तभी गॉड्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। फिर वो एक ब्लेड से उसे काटने के लिए मशीन को चालू करता है, पर तभी यास्मीन एक एक्स से गॉड्स के पैर पर अटैक कर देती है जिससे उसका पैर कट जाता है। फिर वो उसे ब्लेड पर धक्का दे देती है जिससे गॉड्स की बॉडी कट जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब कार्ल जब गॉड्स की लाश को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो यास्मीन को पकड़कर लिफ्ट से ऊपर ले जाता है और जैसे ही वो यास्मीन को शूट करने वाला होता है तो तभी ईवा वहाँ आकर कार्ल को शूट कर देती है जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो यास्मीन को वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर जब वो गाड़ी में बैठती है तो उसे उसकी चाबी नहीं मिलती। ये देखकर यास्मीन वापस अंदर जाती है ताकि वो एलेक्स से चाबियां ले सके, पर तभी वो देखती है कि एलेक्स मर चुका है। ये देखकर वो बहुत रोती है और उसकी जेब से चाबी ले लेती है। तभी क्लाउडिया और गिलबर्ट वहां आकर उसे शूट करने लगती हैं। यास्मीन को वहां पर एक गन मिलती है जिससे वो गैस टैंक पर शूट कर देती है जिससे वहां एक धमाका होता है और क्लाउडिया और गिलबर्ट जख्मी हो जाती है। फिर जब यास्मीन वहां से निकलकर भागने वाली होती है तो तभी गिलबर्ट वहां आकर उस पर गन तान देती है, पर वो उस पर हमला करती इससे पहले ही यास्मीन उस पर हमला कर देती है और उसके गले को काट डालती है जिससे ज्यादा ब्लड निकलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर यास्मीन ईवा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर ईवा मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे लेने जरूर आएंगे। ये सुनकर यास्मीन उसे अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। तभी वो आगे पुलिस के ब्लॉकेज को देखती है। ये देखकर वो गाड़ी से बाहर निकलती है और पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।